हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। चलो, फ्री फायर में एक न्यू इवेंट आ चुका है, टीम अप। और इसका फायदा क्या है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ये देखो, आपको फ्री में ये वाला बंडल दिया जाएगा, मगर इसको अनलॉक कैसा करेगा, जिसमें गो टू पर जा गया, अब आपको इस तरह के इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आपने आपका फ्रेंड ने पहले से टीम क्रिएट किया हो, तो आपको फ्रेंड अपने टीम का आईडी भेजेगा। जैसा आप आईडी भेजेगा, तो आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने आईडी को पेस्ट करना है, आपने आईडी को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर सकोगे, वो वहाँ से आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपना टीम बनाऊँ, तो आपने देखो ये क्रिएट है, ये क्रिएट नज़र आ रहा है, आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्रिएट पर क्लिक किया, तो आपने कन्फर्म करना है, उसमें आपको चार टीम मतलब चार बंदे मिलेगा, चार मेम्बर्स से ज़्यादा नहीं होगा। तो आपने कन्फर्म करना है। जैसा मैंने कंफर्म किया, तो ये देखो मेरा का टीम क्रिएट हुआ। तो चलो, मैंने क्या करना होगा, ये देखो, ये मेरा टीम का आईडी है। अगर आपने टीम का आईडी आपने यहाँ पर कॉपी करना है, और अपने जो भी आपका फ्रेंड है, तो उसे सेंड करो, वो आपका जो टीम है वो ज्वाइन करेगा। और दूसरा बात कर, देखो मेरा, देखो नौमान है, नौमान यहाँ पर नीचे दो तीन आने देख रहे हो, यहाँ पर आपका जो टीममेट है, जो मेंबर है आपका फ्रेंड, वो आ जाएगा, उसका नाम। और बात करें, अगर जहाँ से रिक्वेस्ट आया हो, तो आपने लिस्ट एप्लीकेशन में क्लिक करना है, तो यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है। और इसको कैसा कंप्लीट करना है, आपने जो पॉइंट्स दिख रहा है, आपने ये कंप्लीट करना है, 1000 पॉइंट, 2000, 3000, इस तरह के जो रिवार्ड दे रहा है आपको मिलेगा। मगर आपने कैसा मिलेगा, ये देखो, आपने हाउ टू गेन पॉइंट पर क्लिक करना है। जैसे आपने हाउ टू गेन पॉइंट पर क्लिक किया, तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इवेंट पॉइंट सितंबर 11 to 17, ये 11 से लेकर 17 सितंबर तक ये इवेंट चलेगा। और जो टीम है, आप जो टास्क दिया है फ्री फायर वाले ने, आपने वो कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट द टास्क एंड स्कोर पॉइंट एंड अनलॉक द प्राइस। और आपने क्या करना पड़ेगा, ये देखो, ज्वाइन अ टीम। जैसे मैंने टीम को ज्वाइन किया, तो मुझे 60 पॉइंट दिया गया। और इस तरह आपने गेम्स प्ले करना पड़ेगा, और आपने सोलो मूड में गेम प्ले करना पड़ेगा। जैसे आपने सोलो मूड गेम प्ले किया, तो आपने टॉप 10 पर आना पड़ेगा। और दूसरा बात करें, जो डू मूड है, आपने सिर्फ डू लगाना है, उसमें टॉप 7 तक आना चाहिए, और स्क्वाड में आपने टॉप 5 तक आना चाहिए। और ये आप रैंक में भी खेल सकते हो, क्लासिक में भी खेल सकते हो। तो इस तरह आप अपना जो इवेंट है, उसका जो अवार्ड है, आप पूरा कर सकोगे। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को एक लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो, और जितना भी हो सके यार, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों को ज़रूर अपलोड करूँगा। जो भी क्वेश्चन हो रिलेटेड इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।